तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह से। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज भी मेरा फास्ट है और एकदम ना आजकल मैं बिल्कुल सावन के महीने में एक थीम बनी है जो ग्रीन कलर के कपड़े। तो आजकल मैं रोज ऐसे ब्लू और ग्रीन पैरेट ग्रीन ऐसी पहन रही हूँ हर रोज। तो आज भी मैंने नहा धो के रेडी हो गई हूँ और एकदम घर का काम मेरा सब हो गया है। तो सुबह सुबह ना यही इतना सारा काम होता है कि हम मतलब वीडियो शूट नहीं कर सकते फिलहाल। मैं अभी कर रही हूँ 9 बजे वीडियो शूट। तो अभी जाने की तैयारी है मेरी ऑफिस के लिए। तो देखते हैं आज के दिन पर क्या होगा। लेकिन आजकल ना बहुत ज्यादा व्यस्तता बनी हुई है, पर जो भी होगा तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो चलिए फिर सुबह लिंगुड़े की सफाई हो रही है। ये लिंगुड़े आ रखे हैं ओखलकांडा से, तो इसके जो बाहर के ये रेसेज होते हैं ना कपड़े से साफ करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर धुलाई और बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी होती है इसकी। और इस पर थोड़ा सा मसाला तेल वगैरह ज्यादा होता है और ये पहाड़ के गधेरों में ही होता है जहाँ पे पानी वाली जगह होती है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग लिंगुड़े होते हैं, पर जो हमारे यहाँ होते हैं ना वो ऐसे होते हैं मतलब हमारी वाली एरिया में। तो इसकी चल रही है सफाई और आज देखते हैं और क्या होता है। पहले फिलहाल मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस वाली रूट पे और जल्दी पहुंचने वाली हूँ। और पता है मतलब ये अधिक मास होने के कारण मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मंदिर नहीं जाते हैं, फास्ट नहीं रखते हैं। लेकिन मतलब कुछ लोगों का कहना था कि हाँ लेना है, कुछ का कहना था नहीं लेना है। लेकिन जो मेरा है, मेरे सारे सोमवार ना मतलब सारे सावन के सोमवार में लेती लेती हूँ। तो फिलहाल आज ना मेरे को मंदिर जाने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि शायद मेरे को अभी कहीं फील्ड के लिए भी निकलना पड़ सकता है, तो इसलिए मंदिर नहीं गई। लेकिन अगली बार जब जाऊंगी ना तो फिर दर्शन कराऊंगी। और मुझे लगा कोई नहीं जा रहा होगा, लेकिन रास्ते में ना मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखे जो मंदिर भी जा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार सोमवती अमावस्या से शुरुआत हुई थी सावन की, तो अच्छा है, सावन तो हमेशा ही शुभ माना जाता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसी रही ट्रेनिंग? मस्त। तो अब जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है वो एक बेहतरीन डेस्टिनेशन से हो रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत सी पहाड़ियां हैं। तो हम लोग आ गए थे ऑफिस से यहाँ पे, तो इस प्लॉट में आज हो रहा है प्लांटेशन का काम। तो अभी यहाँ पे सरपंच लोग और गांव के लोग आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आजकल हमारा कुछ ऐसी मुहिम चल रही है और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा लोग वीडियो बनाते हैं मतलब पूरे अपने जो घरेलू काम है या फिर जो उनकी लाइफ स्टाइल है। तो मैं इसके साथ साथ ना कुछ कुछ ऐसे सोसाइटी को लेके या फिर जो गाँव में ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, तो दिखाएंगे अभी आपको। देखो भाई पेड़ लगाते लगाते ना अभी धूप आ चुकी है बढ़िया वाली,
अभी तक ऐसा हो रहा था ना, सामने वाली पहाड़ियों पर और वो वाली पहाड़ी पर ना पूरा कोहरा ही कोहरा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे ही सारी टीम आई और पूरी महिलाएं ना फैल चुकी हैं पूरे प्लॉट में, तो अभी जब उनके लिए हमने मंगा रखे हैं जलेबी, तो जब सारी महिलाएं इकट्ठा होंगी ना, तब दिखाऊंगी कि बहुत सारी महिलाएं आ रखी हैं आज। और इस तरफ वाली एरिया हमारी कवर हो चुकी है, तो ये जो हमारी मुहिम है ना, ये पूरी मानसून में चलेगी कि पूरे मानसून भर हमने प्लांटेशन करना है। तो इसीलिए हमने सारी महिलाओं को इसलिए जोड़ा है कि सब लोगों को ना जंगल के प्रति, लोगों को प्यार हो, पर्यावरण के प्रति प्यार हो, तो इसलिए सारी महिलाओं को जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि एकदम से जो जंगल कटेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, चाहे वो पानी को लेके हो या चाहे लकड़ी और ये सब इन चीज़ों को लेके दिक्कत हो, क्योंकि ना अब बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें बिक्री हैं, तो उससे भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिर आगे और दिखाते हैं आपको। तो सारे लोग हमारे प्लॉट में फैल चुके हैं, महिलाएं इस तरफ और कुछ महिलाएं उस तरफ, और कुछ अभी आ रही हैं। खाने वाली जो चीजें हैं रैपर को घर ले जाना, ठीक है, रास्ते में नहीं फैलाना है। तो जी हम लोग आ गए हैं प्लॉट से रास्ते में, जहां पर मैं स्कूटी अपनी पार्क करके गई थी, क्योंकि ना बहुत ज्यादा चलना था और थोड़ा गर्मी भी हो गई है, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे ना बिल्कुल धूप निकल चुकी है और लोग लगाने में थे वहां पे, और क्योंकि हमें तो दूर जाना था 15-20 किलोमीटर, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं वहां पे, लग रहे हैं पेड़। तो आजकल ना हर रोज ऐसे ही हो रहा है, हर जंगल में पेड़ लग रहे हैं। तो फिलहाल आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ना अलग करने की कोशिश की है, तो देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय।